नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं अनुजा। भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय थी। कहते हैं भगवान कृष्ण की पूजा में बांसुरी का बेहद महत्व है। बांसुरी के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगते थे। पर क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को ये बांसुरी इतनी प्रिय क्यों थी और किस देवता ने उन्हें इस बांसुरी को भेंट किया था? जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अपने आठवें अवतार के रूप में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो सारे देवताओं में श्री कृष्ण को देखने की उत्सुकता जागी। इस दौरान भगवान शिव भी कृष्ण को देखने के लिए धरती पर आए, पर उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के पास जाने से पहले मैं उनके लिए कोई उपहार लेकर जाऊंगा। ऐसे में उन्होंने विचार किया कि वो उपहार स्वरूप उन्हें बांसुरी भेंट करेंगे। महादेव बांसुरी के लिए ऋषि दाधीज के पास पहुंचते हैं और उन्हें एक बांसुरी बनाने का आग्रह करते हैं। ऐसे में ऋषि दाधीज अपनी महाशक्तिशाली हड्डी से एक दिव्य बांसुरी का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान उस बांसुरी को लेकर गोकुल आते हैं और श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद उस बांसुरी को श्री कृष्ण को भेंट कर देते हैं। तभी से माना जाता है कि ये बांसुरी हमेशा श्री कृष्ण के पास होती थी और वो जब इस बजाते थे तो उसकी मधुर धुन से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था।